हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और तुम्हारा भाई जो है वो जगा है, वो सोया ही नहीं है भाई। तो अपन मैच देख के डायरेक्ट मैच रिव्यू बना रहे हैं क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आई यार। मैं बहुत कोशिश किया सोने का, लेकिन क्योंकि मैं सो चुका था 2-4 घंटे मैच देखने से पहले ही, तो मेरे को नींद ही नहीं आई। तो मैंने बोला अभी मैच रिव्यू बना के निपटा दिया जाए भाई, दोपहर और शाम का जो है वो टाइम बच जाएगा। एनीवेज, इस मैच रिव्यू में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द गेम, बट मैं आज के मैच रिव्यू में आई विल पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द टीम परफॉर्मेंस, कि किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया है। अपन डायरेक्ट मैच के बारे में पूरा बात नहीं करने वाले क्योंकि इस मैच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक ही गोल पड़ा है बायर्न की तरफ से, यू ऑल नो कैसे पड़ा है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। अपन पर्टिकुलरली टीम के बारे में बात करेंगे, बट एक बहुत हॉट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला हूं, और वो है क्या नेमार मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था कि नहीं करता था। क्योंकि नेमार हैड अ गुड गेम टू बी रियली ऑनेस्ट, बट मैन ऑफ द मैच डिजर्विंग नहीं था मेरे नज़र में। और मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, तुम भी अपने पॉइंट्स रखना कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या टेक है, क्या नेमार को इस गेम के लिए मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। मैच देखे हो गए तभी कमेंट करना, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज अ गो टू फुटबॉल ऐप फॉर ऑल योर फुटबॉल नीड्स, वेदर इट बी टीम न्यूज, लाइनअप, टीम शीट, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वन फुटबॉल। एंड भाई साहब, इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, यू कैन फॉलो योर फेवरेट क्लब एंड गेट ईच एंड एवरी न्यूज आउट ऑफ इट डायरेक्टली ऑन टू योर फीड। दिस इज द बेस्ट फीचर विच आई पर्सनली लव अबाउट वन फुटबॉल। सो डाउनलोड इट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऐप इज अवेलेबल फॉर फ्री, गो अहेड डाउनलोड इट एंड एंजॉय फुटबॉल विथ वन फुटबॉल। एनीवेज, इस मैच के बारे में बात कर लिया जाए। सबसे पहले मैं ना बायर्न के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, बायर्न 4-2-3-1 खेल रही थी और पीएसजी के लिए ना ये गेम थोड़ा सा ईजी था। ये गेम ईजी इसलिए था क्योंकि सबसे पहला रीज़न, पीएसजी के पास लीड थी, 3 अवे गोल मार के उन लोग बैठे हुए थे, और इस गेम को जीतने के लिए बायर्न को 2 गोल मारना था विदाउट कंसीडिंग एनी। पीएसजी के लिए ये गेम इजी इसलिए भी था क्योंकि बायर्न के बहुत बड़े बड़े प्लेयर गायब थे। लेवेंडोस्की गायब था, गनेबरी गायब था और गोरेट्स्का गायब था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भाई साहब अपने अपने पोजीशन में। ये तीनों प्लेयर के गायब होने से ना काम इजी था पीएसजी का। पीएसजी न्यू क्या होने वाला है, चुपोमोटिंग इज़ नॉट दैट अ बिग थ्रेट जैसा लेवेंडोस्की है ऑफकोर्स। तो दे न्यू इन लोग क्रॉस डालने का कोशिश करेंगे, हेडर मरवाने की कोशिश करेंगे चुपोमोटिंग से, बिकॉज ऑफ ऑल दैट फिजिकैलिटी ही हैज़। और वैसे कुछ गोल नहीं पड़ने वाले जैसे लेवेंडोस्की के होने से पड़ते हैं। अपन को डिफेंस टाइट रखनी है, सिट बैक करना है और अपन ये मैच निकाल के ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अपन को रिजल्ट से मतलब नहीं है, इस मैच में क्या होता है क्या नहीं होता है, बस 2 गोल नहीं खाने। ये मेन मोटिव था पीएसजी का इस गेम में घुसने से पहले। और इफ़ चांसेस मिलेंगे हम काउंटर में तो मारने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं क्योंकि हमारे पास नेमार और एम्बाप्पे जैसे 100 पेस वाले प्लेयर हैं। ये थॉट थी पीएसजी की बिफोर एंटरिंग दिस गेम। अब भाई साहब, यहाँ पे काम आता है ना बायर्न के प्लेयर्स का कि वो अटैक ऐसी बनाएं कि उनको एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन इस गेम में दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट सिंगल थिंग कि भाई कोमैन कुछ बॉल डाल दे बीच में, या लीरॉय साने कुछ बॉल डाल दे बीच में तो कोई फिनिश कर जाए। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, बायर्न का डिफेंस वॉज 100 एंड बायर्न का अटैक वॉज 30, ठीक है। बायर्न कम्प्लीटली वॉज लुकिंग लाइक अ टूथलेस फेरी, जहाँ पे आप गोली नहीं मार पा रहे हो यार, आपके सामने का कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पीछे सब A1 चल रहा है भाई साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बायर्न का डिफेंस हैड अ ग्रेट गेम, उन्होंने रोका एम्बाप्पे को, नेमार को, विच इज़ अ वेरी गुड टास्क, बहुत बड़ा टास्क है अभी फिलहाल की ज़िंदगी में क्योंकि दोनों आग फॉर्म में चल रहे हैं। ऑल दो तुम कहोगे कि नेमार ने तो पोल में मार दिया वगैरह वगैरह, बट न्योर ने बचाया है बायर्न को इस गेम में, क्योंकि अगर शायद न्योर नहीं रहता तो 2-3 गोल हो जाते। 1v1 था उसका कई बार नेमार के साथ, दैट गाय जस्ट वो बस प्रूव करने पे लगा था अपने आप को, मैं गोट हूँ गोलकीपर का, टर्स्टी गन से ना मेरा कंपैरिजन मत करना, ठीक है। बाकी पवार्ड हैड अ ग्रेट गेम, एम्बाप्पे को पकड़ के रखा था। बोटेंग हैड अ गुड गेम भाई साहब, नेमार के 1-2 चांसेस गजब उसने बोटेंग ने इधर उधर करवाए। लूकस हर्नांडिस सैल्यूट है भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इस गेम का लूकस हर्नांडिस, मेरा दिल छू लिया लूकस हर्नांडिस। तो ये तीन प्लेयर डिफेंडर्स बायर्न के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा ना कि बायर्न भाई हाई प्रेस खेलने के बाद उनको डिफेंड करना था और फिर उनको उस पेस से लड़ना था जो एम्बाप्पे और नेमार के पास है, एंड बायर्न के डिफेंडर्स रोज अप टू द ओकेशन। बट सैडली अल्फांसो डेविस हर वक्त एंजल डी मारिया से बीट हो रहा था, एंड एंजल डी मारिया अलग ही लीग में खेल रहा था, नज़र आ रहा था। तो देयर डिफेंस वॉज टॉप नॉच, बट फिर बात वही आ जाती है, इन ऑर्डर टू विन UCL के मैचेस यू नीड टू स्कोर गोल्स, और वो आज बायर्न की टीम नहीं कर पाई। किंग्सली गोमैन वॉज गुड, ठीक था, मूलर वॉज रियली गुड, बट अकेले बंदा क्या करता, उसने अपनी जान दे दी भाई, 100% दिया। बट लीरॉय साने फिर से एक अंडरवेलमिंग टाइप का परफॉर्मेंस दिया मेरे नज़र में। लीरॉय साने के पास 1-2 चांसेस थे, उसने मिस करे, बट एक बहुत बड़ा चांस जो मेरे नज़र में मिस था वो ये था कि लीरॉय साने के पास ना 89th मिनट में एक बॉल आई और उसके पास ना पूरी दुनिया
दुनिया जहां का टाइम था कि वो प्रॉपर पास निकाल के दे सकता था अटैकर को, किसी भी बायन के, और वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पे वो गोल पड़ता, फॉर श्योर गोल पड़ने वाला था, बट लीरॉय साने का वो जो क्रॉस वाला पास था वो डायरेक्ट केलर नावस के पास हाथ में एकदम बॉल गई। और मैं समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, मतलब इतना टाइम और इतना स्पेस के बाद आप ऐसा पास, मतलब ये मेरे दिमाग के परे थी भाई। तो मेरे ख्याल से फिर से वंस अगेन लीरॉय साने, जिसको मैं प्रीव्यू में कह रहा था कि अगर ये बंदा राइज करेगा ओकेशन को तो बायन जीत सकती है, वो फिर से फीका पड़ा। छुपामोटिंग अपना काम कर रहा है विदाउट लेवेंडोव्स्की, ही इज स्कोरिंग गोल्स, तो अपन उसको ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर क्या मतलब ज़्यादा अपन नहीं बोल सकते। बात कर लूँ मैं पीएसजी की, पीएसजी का गेम सिंपल था, मैंने बताया फॉल बॉक कर रहा है, आराम से बैठे रहना भाई साहब, देखेंगे गोल वोल पड़ेगा तो अपन काउंटर खेलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी पोचेटिनो की कि भाई उसने गेम प्लान बनाया ही ये था कि नेमार तू भी आके ट्रैक बैक करेगा। मैंने कितने दफ़ा देखा कि नेमार भी जो है वो डिफेंस में आकर के हेल्प कर रहा था हमारी टीम को, हमारी नहीं मतलब पीएसजी की टीम को, ठीक है पता नहीं कैसे निकल में, तो पीएसजी की टीम को नेमार हेल्प कर रहा था, ड्रेक्सलर भी आके हेल्प कर रहा था, इवन एम्बाप्पे भी कई बार पीछे था, डी मारिया भी पीछे जा रहा था, तो सब प्लेयर पीछे जाकर के हेल्प कर रहे थे, काइंड ऑफ अ लो ब्लॉक चल रहा था, बट स्टिल बायन जिस हिसाब से प्रेस कर रही थी, मैं दाद दूंगा भाई डैगबा की, पेरेरा की, किम्बेम्बे की और डियालो की, ये तीनों चारों जितने प्लेयर थे ना, इन लोग जिस हिसाब से उस काउंटर प्रेसिंग को बीट कर रहे थे बायन की, मतलब टीम प्रेसिंग को बीट कर रहे थे पासिंग कर करके विथ नेमार ऑफ कोर्स, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट, और वो चीज़ पीएसजी डिजर्व करती है। ऑल दो एक गोल इन्होंने खाया, वो जैसे तैसे खा लिया, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ पीएसजी की डिफेंस वॉज गुड इन दिस मैच, पिछले लेग से तो इस गेम में बेटर लगी, मार्किनियोस नहीं था तो भी बेटर लगी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ ठीक है बायन के पास चांसेस थे ऑल दो दे मिस्ड, बट जब जब क्रॉसेस आ रहे थे पेरेरा ने ऊंचा कुचक के बॉल इधर उधर किया है, किम्बाप्पे ने ऊंचा कुचक के बॉल इधर उधर किया है, डैगबा ने ऊंचा कुचक के बॉल इधर उधर किया है, तो उनकी डिफेंस ने रोका है बायन को, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी पीएसजी हैड अ ग्रेट गेम यार, नावास वंस अगेन भाई साहब रोज टू ओकेशन, पता नहीं क्यों रियल मैड्रिड ने उसको बेचा, मेरे को समझ में नहीं आया, अभी तक मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्यों उसको बेचा गया रियल मैड्रिड से, बट नावास वंस अगेन अंडररेटेड और अनक्रेडिटेड फॉर दिस विन टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। नेमार को पकड़ा दिया मैन ऑफ द मैच, नावास फिर से बचाया है, बाकी एम्बाप्पे इस गेम में थोड़ा सा पॉकेट हो गया था, एम्बाप्पे इस गेम में उतना नहीं दिखा अपने को। डी मारिया हैड अ ग्रेट गेम, मैं भाई फैन हो गया डी मारिया का, गजब का गेम खेला डी मारिया ने भाई साहब, अल्फांसो डेविस को जो उलझा के उसने रखा था, जो पासिंग डी मारिया की चल रही थी इट वॉज ग्रेट। लेकिन अब बात आती है नेमार की, देखो यार सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, क्या नेमार को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, ये सवाल है यार। ठीक है मैं समझ रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम ये रेटिंग देखो नेमार की, 5.9 की रेटिंग सोफा स्कोर वालों ने दी है नेमार को। नेमार के पास तीन बहुत बड़े चांसेस थे, दो बार उसने बोल को मारा, एक बार उसने एक ओपन चांस टाइप का था जो 1v1 था न्यूयॉर्क के साथ, ऑफकोर्स न्यूयॉर्क मतलब ठीक है, लेकिन स्टिल ही मिस्ड इट, ठीक है। एंड ही गॉट मैन ऑफ द मैच प्ले मेकिंग के नाम पे, पता नहीं जो भी, ही गॉट दैट मैन ऑफ द मैच, एंड मेरे को समझ में नहीं आई। सबसे पहला रीज़न, पीएसजी गेम नहीं जीती है, ठीक है गेम बायन ने जीता है, ऑल द क्वालिफाइक पीएसजी ने किया है, आई अग्री ऑन दैट फैक्ट, लेकिन गेम जीता बायन ने, और बायन के कुछ प्लेयर्स थे जो मेरे नज़र में नेमार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे, फॉर एग्जांपल लूकस हर्नांडिस, ही हैड अ ग्रेट गेम, उसने पकड़ के रखा नेमार को, और अगर आज नेमार ने नहीं स्कोर किया है तो वो उसका एक श्रेय लूकस हर्नांडिस को जाता है, तो मेरे ख्याल से लूकस हर्नांडिस को दे देते मैन ऑफ द मैच। नेमार यार क्या मतलब आप जब क्या पोल को हिट करने का भी ये काउंट होता है क्या, मतलब मैन ऑफ द मैच में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रेटिंग्स गिरती हैं भाई पोल को हिट करने। अच्छा चल ठीक है मैं सब समझ रहा हूँ, उसने 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 बनाए भाई चांसेस और उसने प्ले मेकिंग करी, उसने सब, क्या उतना उसका प्ले मेकिंग जो है वो एक गोल ला के दे पाया, नहीं ना, ठीक है मैं प्ले मेकिंग के नाम पे दे भी दे रहा हूँ उसको मैन ऑफ द मैच, लेकिन मेरे को बस इतना बता दे कि भाई अगर बायन एक गोल और मार दी होती और बायन जीत गई होती ये मैच, तो जो फैंस आज ये बोल रहे हैं ना कि नेमार को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था तू चूतिया है, तो भाई अगर बायन एक गोल मार दी होती ना तो फिर तुम ही लोग कहते कि भाई तो चूतिया नहीं नेमार चूतिया है, क्योंकि उसने पोल मार दिया, समझ रहे हो, तो वो दो बार बोल मारना, तीन बार पोल मारना कॉस्ट कर सकती थी मैच को, आपको क्लिनिकल होना है मैच में,
आपको फिनिश करनी है मैच में, और आप पोल मार रहे हो, और आप ये सब करने के बाद भी आप मैन ऑफ द मैच जीत रहे हो, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। मतलब मेरे नज़र में तो नहीं था मैन ऑफ द मैच, ही हैड अ ग्रेट गेम। मैं खुद नेमार फैन हूँ भाई, ठीक है, ग्रेट गेम, गजब की चांसेस, ड्रिबलिंग टॉप नॉच, फिनिशिंग टट्टी, बट मतलब शूटिंग टॉप नॉच थी, पोल वोल में लग रहा है, ही डिड ईच एंड एवरी थिंग ट्राइट, बट स्टिल ही वॉज नॉट द कंटेंडर फॉर मैन ऑफ द मैच फॉर मी। फॉर डू लेट मी नो योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मेरे को बताओ तुम क्या सोचते हो। बाकी अगले वीडियो तक, दिस इज अशीष के सेंडिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। जीजीज पीएसजी, जीजी भाई आपने बहुत अच्छा गेम खेला दोनों लेग में, नो डाउट आप डिजर्व करते हो ईच बिट अगले राउंड में जाना, सेमीज में जाना, और सेमीज में इनके सामने मोस्ट प्रोबेबली मैन सिटी आने वाली है, अगर वो डॉर्टमुंड से जीत जाती है तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ भाई, पीएसजी हैड अ गुड गेम, पोचेटिनो हैड अ गुड गेम, और उसी के चलते वो आगे बढ़ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ इंजरीज वगैरह, जो भी कैचेज मेरे को नहीं पता, पीएसजी ने अच्छा खेला भाई दोनों गेम में, तो जीत गए वो, सीधी बात। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो, मैशेज के सैनिक और बाबा, टेक केयर, पीस। यूसीएल की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जो ना गाना मना।